गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज बारिश का मौसम है और सुबह सुबह एक ये पड़वा कटला लेके आए हैं, जिसके बिनगा के आगे से लगभग लक्ष्मणपुर बाजार से जिसके गर्दन में कुछ चोक है, ऑब्स्ट्रक्शन है ईसोफेगस में, जिसकी वजह से ये कुछ भी पानी पी रहा है या कुछ खा रहा है तो पेट में नहीं जा रहा है और तुरंत उगल देता है। परेशान है, दूध नहीं पी पा रहा है बहुत, इसकी माँ छटपटा रही है इसके ना पी, देखिए उल्टी कर रहा है पानी पीने पर। जैसे ही पानी पीता है, इतना तड़प रहा है पानी के लिए, पानी पीता है और तुरंत उल्टी कर देता है। इसका दर्द वही जान सकता है जो प्यासा होगा जो या जो इससे जुड़ा होगा। ये पता नहीं कहाँ से, बहुत सारे लोगों ने इनको सब सजेशन दिया कि आप ले जाइए सुनवा डॉक्टर इमरान के पास, तो ये मेरे पास आए हुए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं। तो मैं अपने स्किल और एफर्ट्स का यूज़ कर रहा हूं, जितना मुझसे हो सकता है मैं काम कर रहा हूं। और देखिए कैसे मैं इसको रिमूव करूंगा मैनुअल तरीके से। एक इसके गर्दन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो कोई हेयर बॉल बन गई है, या कोई बॉल या कोई आलू का टुकड़ा या कुछ जो इनगल्फ कर लिया है उसको रिमूव करना पड़ेगा। देखिए लगातार पूरी बाल्टी पानी पी पी के उल्टी कर दिया इसने, तो ये एक कठिन समय है इसके लिए बहुत। देखिए लगातार उल्टी कर रहा है, कुछ भी मुंह में नहीं जा रहा है। और हम इसको बेहतर तरीके से करेंगे और करने के बाद देखते हैं कितना फ़ायदा। देखिए अभी हमने एक हाफ इंच चौड़ा पौन इंच चौड़ा पाइप मंगाया है, जिसको ईसोफेगस से हम पास करेंगे और इसको स्टमक में तक पहुँचाएँगे। स्टमक ट्यूब अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हमने ये ट्यूब का इस्तेमाल किया है। और ये रिंग वाला पाइप है जो कि आसानी से टूटता नहीं है, इसमें रिंग्स पड़ी होती हैं, रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। और धीरे धीरे करके हम इसको पेट तक पहुंचाएंगे और पेट तक पहुंचाने के बाद धीरे धीरे वो ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म होगा और पशु पिएगा। और पीने के बाद ये जब धीरे धीरे कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं इसमें क्या होता है। धीरे धीरे अगर अंदर हो जाएगा तो एनिमल रिलीफ हो जाएगा। फ़िलहाल स्ट्रगल हम कर रहे हैं, परेशानी उठा रहे, देखिए डाल रहे हैं धीरे धीरे कि जो भी चोक है वो हट जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं इसमें कितना फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद। मेरा लाइक सब